अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारतीय इंडस्ट्री में शोक का समा। भारत की मशहूर और मारूफ अदाकारा मुखर्जी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गईं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाली सेमी क्लासिकल गुलुकारा सिंधिया मुखर्जी, जिन्होंने मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर्स एस डी बर्मन, नौशाद और सलील चौधरी के साथ काम किया था, मंगल की शाम दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गईं। अस्पताल जराए ने बताया कि सिंधिया को 27 जनवरी को बाथरूम में गिरने और गर्दन में फ्रैक्चर होने के बायस अस्पताल दाखिल किया गया था, जबकि वो कोरोना में भी मुब्तला थी। ताहम ब्लड प्रेशर में कमी की वजह से उन्हें कल सुबह इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट ICU में मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम शाम 7:30 बजे के करीब उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा, जिसके बाद उनकी मौत वाकई हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई फिल्में और अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स हासिल करने वाली गुलुकारा ने हाल ही में भारत के बेहतरीन सिविलियन अवार्ड्स में से एक पद्मश्री की पेशकश से इनकार कर दिया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिंधिया ने मुतादित भारतीय फिल्मों में भी अपनी आवाज का जादू जगाया, ताहम उन्हें ज्यादा शोहरत बंगाली गानों से मिली। वाज़ेह रहे कि इससे कबल 6 फरवरी को भारत की लेजेंडरी गुलुकारा लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में तवील अलालत के बाद दुनिया को खैरबाद कह गई थी, जबकि आज मारूफ मौसीकार वो गुलुकार हैप्पी लेरी 69 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। तो नाज़रीन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो एक नई खबर के साथ फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।